हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्टली ब्राज़ील वेजिटेशन। इन ब्राज़ील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर द नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूसेस। अब आप ब्राज़ील देखेंगे तो वहाँ पे जो रेनफॉल है वहाँ की अलग अलग फिजियोग्राफी के कारण बहुत ज़्यादा वेरी करता है, चेंज आता है उसमें। तो आप देखेंगे मोस्ट पार्ट्स ऑफ जो इक्वेटोरियल रीजन्स हैं वहाँ पे लगभग साल भर बारिश होती है। एज़ वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर द नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिड्यूसेस। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे कितने दिन साल भर में बारिश होगी और कितनी बारिश होगी ये अमाउंट रिड्यूस होते जाता है। आप ये फिजियोग्राफी देख सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे गुआना हाईलैंड्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पे आपको रेनफॉल जो है वो 1600 mm का दिख रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे, देन इक्वेटोरियल रीजन पे, देन डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन सब के बारे में डेप्थ में हम मैप में पढ़ेंगे। दिस इफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ द वेजिटेशन टू। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। इन रीजन विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस। तो जो भी क्लाइमेट कंडीशन होता है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ें वेजिटेशन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपको उन एरियाज में मिलेगा जहाँ साल भर बारिश होती है, और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे रेनफॉल सिर्फ कुछ कुछ सीज़न में ही होता है वहाँ पे जो वेजिटेशन है आपको बहुत कम मिलेगी। इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स, थॉर्नी वेजिटेशन एसेट्रा आर फाउंड। और फॉरेस्ट की जगह आपको बहुत सारे ग्रासेस मिलेंगे, शॉर्ट श्रब्स मिलेंगे, थॉर्नी वेजिटेशन मिलेंगे यहाँ के फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। Brazil has a largest number of vegetation species in the world. This includes evergreen vegetation, small evergreen, arid, etc. One finds trees like Paul Brazil rubber, mahogany, rosewood and a variety of orchards. Brazil में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा number of vegetation species है। इसमें आता है evergreen vegetation, semi evergreen, arid, etc. और यहाँ पे ट्रीज़ मिलती हैं जैसे पॉल ब्राज़ील रबर, मेहोगोनी, रोज़वुड एंड वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स। बिकॉज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। देयरफॉर दीज रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो कि ब्राज़ील में है, इनके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होता है जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल रिड्यूस हो जाता है, इसलिए रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नाउ कमिंग टू इंडियन वेजिटेशन। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। कौन कौन से? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी श्रब्स, हिमालयन फॉरेस्ट एंड कोस्टल फॉरेस्ट। In region which receives more than 2000 mm of rainfall on an average along with abundant sunlight, evergreen forests are found. ऐसी जगह जहाँ पे 2000 mm of rainfall होती है, बहुत सारी sunlight आती है, ऐसी जगह में आपको evergreen forest मिलेगा। The leaves of the trees in these forests are broad and green. The trees have hardwood, heavy and ड्यूरेबल। नेक्स्ट, इसकी जो ट्रीज़ होती हैं, इस लीव्स जो होती हैं इस ट्रीज़ की, वो ब्रॉड होती है और ग्रीन होती है। जो ट्रीज़ होती है उनमें हार्डवुड होता है, हैवी होती हैं वो और ड्यूरेबल होती हैं उनकी जो लकड़ियाँ होती है। जैसे एग्जांपल दिया है महगोनी, रोज़वुड, रबड़ एसेक्ट्रा। ऑल्सो देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रीपर्स फाउंड हेयर। हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। साथ ही साथ इस फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे क्रीपर्स भी मिल जाएंगे और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको इस फॉरेस्ट में ही मिलती है। इन रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm टू 2000 mm इन इंडिया डेसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। इन ड्राई सीजन ट्रीज शेड देयर लीव सो दैट वाटर इज़ नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवापोरेशन।
इस तरीके का जो एरिया है यहाँ पे आपको लगभग रेनफॉल मिलेगा 1000 mm से 2000 mm तक, और ऐसे एरिया में आता है डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे ड्राई सीजन रहता है, ट्रीज़ अपनी लीव्स जो हैं वो शेड कर देती हैं ताकि पानी ज़्यादा लॉस ना हो इवापोरेशन के कारण। फॉर एग्जाम्पल टीक, बैम्बू, बनियान, पीपल एसेट्रा आर द ट्रीज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और एग्जाम्पल दिया है टीक, बैम्बू, बनियान, पीपल, जो इस फॉरेस्ट में ये पेड़ मिलते हैं। रीजन्स दैट रिसीव लेस दैन 500 mm ऑफ रेनफॉल एंड एक्सपीरियंस ड्राई समर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन इंडिया, थॉर्नी एंड श्रब टाइप वेजिटेशन इज फाउंड। द लीव्स आर स्मॉल इन साइज, फॉर एग्जाम्पल कैचकू, अकाकिया, खेजरी, वेराइटीज ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा एंड अगावा। नेक्स्ट, ऐसे रीजन की बात की गई है जहाँ पे 500 mm से कम का रेनफॉल होता है और ज़्यादातर ड्राई समर मौसम रहता है लॉन्ग पीरियड तक। ऐसे जगह पे वेजिटेशन होता है ऑफ थॉर्नी एंड श्रब टाइप वेजिटेशन। यहाँ की जो लीव्स रहती हैं उनका साइज़ बहुत छोटा रहता है, जैसे कैचिको, एकाकिया, खेजरी एंड वेराइटी ऑफ कैक्टस जैसे एलोवेरा, अगावा एसेट्रा। इन स्वैम्पी एरियाज, एस्टुअरीज एंड लागून्स नियर कोस्टल एरियाज हैविंग सलाइन सॉइल्स एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। तो जो कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो स्वैम्पी एरियाज में मिलता है, एस्टुअरीज या लागून्स, ये कोस्टल एरियाज के पास मिलते हैं। इनका सलाइन सॉइल होता है और मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, और इन्हें मैनग्रोव्स या सुंदरबंस कहा जाता है इन इंडिया। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल, और इसके जो लकड़ियाँ होती है वो ऑयली होती हैं, हल्की होती हैं और बहुत ड्यूरेबल होती हैं। इन इंडियन हिमालयाज थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। इन रीजन्स विद मीडियम एल्टीट्यूड कॉन्फरस ट्रीज लाइक पाइन, डियोडर, फर एंड एट फुट हिल मिक्सड फॉरेस्ट आर फाउंड। तो आप अगर इंडियन हिमालयाज को देखें तो यहाँ पे तीन तरीके का फॉरेस्ट आपको एल्टीट्यूड के हिसाब से मिल सकता है। ऐसा एरिया जो हायर एल्टीट्यूड में सिचुएटेड है यहाँ पे आपको सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज मिलेंगी। ऐसा एरिया जो मीडियम एल्टीट्यूड में सिचुएटेड है यहाँ पे आपको कॉन्फरस ट्रीज जैसे पाइन, डियोडर, फर ये मिलेंगे, और फुट हिल में मिक्स्ड फॉरेस्ट आपको मिलेगा। और ये मिक्स्ड फॉरेस्ट में आता है बोथ कॉन्फरस एंड डेसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और यहाँ पे सल ट्रीज भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो अब ब्राज़ील के वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं। अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन ब्राज़ील देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। द स्वैम्पी एरियाज ऑफ पंथानल, ह्यूज एनाकोंडाज आर फाउंड इन ब्राज़ील। गुइनिया पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज, पूमास, लियोपर्ड्स एसेट्रास आर फाउंड। तो आपको ब्राज़ील में बहुत ग्रेटर डाइवर्सिटी दिखेगी वाइल्ड लाइफ की किसी भी दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। यहाँ पे स्वैम्पी एरियाज हैं ऑफ ऑफ पंथालास, जहाँ पे आपको आपको बड़े बड़े एनाकोंडास दिखेंगे। ब्राज़ील में आपको गुनिया पेग्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, मंकीज, प्यूमास, लियोपर्ड सब मिलेंगे। एमोंग द फिश वेराइटीज मैनी स्वॉर्ड फिश आर फाउंड इन द सीज, वाइल पिंक डॉल्फिन्स आर एंड पिरानाज आर फाउंड इन द रिवर्स। आप यहाँ के रिवर में देखेंगे तो आपको फिश की बहुत ज़्यादा वेराइटी मिलेगी। आपको स्वॉर्ड फिश दिखेगी सीज में, और आपको यहाँ के रिवर्स में पिंक डॉल्फिन्स और थोड़ी डेंजरस फिश होती है पिराना, जिसके नोकीले दांत होते हैं ऐसा अज्यूम किया जाता है, तो वो फिश आपको रिवर पे मिलेगी। कॉन्डोर्स विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, वेरियस टाइप ऑफ पैरट्स, मैकाउज एंड फ्लेमिंगोज आर मेजर बर्ड्स फाउंड हियर। यहाँ पे आपको बर्ड में कॉन्डोर्स मिलेंगी जो बहुत ही बड़े साइज की होती है, आसमान में उड़ती है। बहुत सारे टाइप के पैरट्स मिलेंगे, मैकॉज मिलेंगे, फ्लेमिंगोज मिलेंगे। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स
इंसेक्ट वेराइटीज़ आर ऑल्सो फाउंड हेयर एज अ रिजल्ट ऑफ दीज वेराइटीज़ द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। और यहाँ आपको मिलियंस ऑफ इंसेक्ट की वेराइटीज़ मिलेंगी, जिस इन वेराइटीज़ के कारण हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील की जो वाइल्ड लाइफ है ये बहुत ही रिच है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट इज़ हैपनिंग ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर डिफॉरेस्टेशन पॉल्यूशन एसेट्रा। अब धीरे धीरे यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि एनिमल्स को इलीगली पकड़ा जा रहा है और उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है, उन्हें बेच दिया जा रहा है, और जो भी एग्रीकल्चर है उसे जलाने के कारण, डीफॉरेस्टेशन के कारण, पॉल्यूशन के कारण यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ही डिग्रेड हो रहा है। ब्राज़ील इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स टुडे। मैनी एंडेमिक स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटेंट बिकॉज ऑफ दीज इशूज। ब्राज़ील इस तरीके की परेशानी आज फेस कर रहा है। यहाँ के बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंट होते जा रहे हैं या ऑन वर्ज पे हैं एक्सटेंट होने के, कि कुछ सालों में एक्सटेंट हो जाएंगे इन सारे प्रॉब्लम्स के कारण। इंडिया इज ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। देर आर मैनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो अगर हम इंडिया को देखें तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेंगे, स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट, वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम। आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा उन जगहों पे जहाँ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, आपको वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलेगा स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में ऑफ असम। वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन एरिड लैंड्स। नेक्स्ट स्नो लियोपर्ड्स एंड याक्स आर फाउंड इन द स्नो कैप्ड रीजन ऑफ हिमालयस। नेक्स्ट आपको वाइल्ड एस और कैमल्स देखने को मिलेंगे एरिड एरियाज में, स्नो लियोपर्ड और याक्स देखने को मिलेंगे हिमालय के स्नो कैप्ड एरियाज में। इंडियन बिशॉन्स, डियर, एंटीलॉप्स, मंकीज आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। नेक्स्ट आपको इंडियन बिशन्स देखने को मिलेंगे, ये कुछ जंगली बैल जैसे दिखते हैं, डियर देखने को मिलेंगे, एंटीलॉप्स, मंकीज मिलेंगे जितने भी पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे। इंडिया पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे टाइगर और लायंस दोनों हमें मिलते हैं। रिवर्स, एस्टुअरीज एंड कोस्टल एरियाज आर होम्स ऑफ मैनी टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड गहरियाल। द फॉरेस्ट एंड वेट लैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वेराइटीज ऑफ बर्ड्स लाइक पिकॉक, इंडियन बस्टर्ड, किंग फिशर, पीजेंट्स, डक्स, पराकीट्स, क्रेन्स एंड पीजन्स। ऑल दीज स्पीशीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट जो भी रिवर हैं, एस्टुअरीज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे बहुत सारे सारे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और गहरियाल रहते हैं। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है और जो भी वेटलैंड है, ये सब शेल्टर है वैरायटी ऑफ बर्ड्स के लिए, जैसे पिकॉक, इंडियन बस्टर्ड, किंग फिशर, पीजेंट्स, डक्स, पराकीट्स, क्रेन्स, पीजेंस, और ये जितनी भी स्पीशीज है ये हमारे इंडिया को एक यूनिक हैबिटेट बनाती है ऑफ वाइल्ड लाइफ, हमारे इंडिया के फॉरेस्ट को। मैनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ पोचिंग, पॉल्यूशन एंड रैपिडली अकरिंग डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्पल चीता। अब इंडिया में बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जो वर्ज पे हैं एक्सटेंशन की, माना जाता है कि कुछ साल में ये हमें एक भी नहीं देखने को मिलेंगी, पूरी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी हंटिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा पल्यूशन हो रहा है जिस कारण से ये जी नहीं पा रहे हैं, या डिफॉरेस्टेशन, इनके घर काट दिए जा रहे हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं है इसलिए ये मर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दिया है चीता। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप नंबर ऑफ नेशनल प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया।
हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व सब सेटअप किए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिया में. टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग डे बाई डे. द सिचुएशन इज सिमिलर टू एलिफेंट्स. तो आपको एक एक्टिविटी दी है कि इस बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन निकालो. एंड रियली टाइगर हमारे कंट्री में बहुत कम हो चुके हैं, बिल्कुल ये वर्ज पे हैं, एक्सटेंशन पे, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इन्हें सेव नहीं किया गया तो कुछ सालों बाद ही हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे. तो आप मस्ट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ा कोशिश करिए जानने की कौन कौन से एनिमल्स हैं जो एक्चुअली एक्सटेंशन पे हैं, जो धीरे धीरे कुछ सालों बाद शायद नहीं बचेंगे या ख़त्म हो जाएंगे. और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी कि क्यों एनवायरनमेंट को सेव करना, वाइल्ड लाइफ को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था और इसमें एक्चुअली समझने की चीज़ें ज़्यादा नहीं है. इस तरीके के चैप्टर्स में लर्न करना इम्पॉर्टेंट है. तो इस चैप्टर को एक बार आप पढ़ के मत छोड़िए, इसे आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, इसे लर्न कीजिए. लर्निंग के बेसिस पे है ये चैप्टर और उस बेसिस पे ही आप एग्जाम्पल्स पे आंसर लिख पाएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.